नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस जो है हमलावर हो गई है। जी हां, पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बघेल ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, इसलिए जीतने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। यही वजह है कि मशीनों में खराबी आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्यादातर पोलिंग पार्टियों ने बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों से पैसे लिए हैं। वहीं पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। रमन सिंह ने चुटकी ली है कि अगर ईवीएम खराब होता तो सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बीजेपी के लिए भी खराब होगा। हमने आपत्ति जताई थी, यह एक प्रक्रिया है, कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है। तो हमारे लिए भी होगा, उनके लिए भी होगा, सबके लिए होगा। कोई कांग्रेस या बीजेपी के लिए मशीन खराब थोड़ी होगा। मशीन खराब होते तो हमारे ही वोटर हैं, हमारे मतदाता हैं, कोई कांग्रेस। तो मशीन खराब होने की प्रक्रिया में हम लोगों ने भी आपत्ति की, हम लोगों ने भी शिकायत किया, हम लोगों ने भी उसको त्वरित करने की कार्रवाई की। राजनांदगांव में बहुत सारी घटनाएं आई, मैं लगातार संपर्क था, सुधारने का प्रयास किया। बस्तर में भी हुआ तो विलम्ब हुआ, उसके लिए अभी तक तो मतदान कई जगह हो रहे। यहां तो कांग्रेस ने ईवीएम को लेकर एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि तमाम ऐसे मंत्री और विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने पोलिंग पार्टियों को पैसा दिया है और इसीलिए चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है। ईवीएम की खराबी पर कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया है कि ईवीएम में जानबूझकर गड़बड़ी कराई गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी पार्टी जो है हार रही है और यही वजह है कि हार की वजह से जो है उन्होंने इस तरह का काम किया है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए रुख करेंगे रायपुर स्टूडियो का। हमारे साथ कास्ट पैनल में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, नरेश चंद गुप्ता हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, साथ ही धनंजय सिंह ठाकुर हैं कांग्रेस की नुमाइंदगी के लिए, और वरिष्ठ पत्रकार विशेष टिप्पणी के लिए बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है खास पेशकश में। सबसे पहले धनंजय सिंह ठाकुर जी, आप ही के पास आऊंगा। ये जो आरोप लगाया गया, अभी तो चीजें गर्भ में है, अभी तो वोटिंग हुई है, उससे पहले ही ये आरोप लगा दिया जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, कुछ थोड़ा इंतजार कर लेते, नतीजे आ जाते तो ज्यादा बेहतर होता। देखिए, जिस प्रकार से राज्य में आदर्श आचार संहिता लगा, उसके बाद जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा था, जिस प्रकार से सरकार के निर्वाचन आयोग मौन बैठा हुआ था। धनंजय जी, मेरा सवाल मैं वही पे आ रहा हूँ। बहुत सारे सरकार को जन्म हो जाता है, बार बार ईवीएम खराब हो जाना। इस चुनाव के पहले जिस प्रकार से बस्तर क्षेत्रों में कहा गया कि अंगूठी में काले स्याही का निशान न लगाया जाए निर्वाचन के बाद, तो कहीं न कहीं पूरी तरीके से निष्पक्ष निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसमें शंका स्पष्ट हो जाता है। और जो ईवीएम जो खराब हुआ है, तो इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी शंका जाहिर की है, अपनी आशंका व्यक्त की है कि जो हार दिख रहा है, क्योंकि फर्स्ट फेज में जो चुनाव हुआ है उन 18 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव आप देखेंगे तो 12 में कांग्रेस के विधायक हैं और 4 सीट में ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उन 18 सीटों को जीतने के लिए कई प्रकार के प्रोपेगेंडा अपना रही थी, जिस प्रकार से मतदाताओं को लुभाने के लिए बहुत सारी बातें हैं, जिस प्रकार के धर्म नरेश गुप्ता जी, इससे स्पष्ट हो जाता है। ठीक है नरेश गुप्ता जी, चुनाव आचार संहिता का दुरुपयोग, पैसा आपने पोलिंग पार्टियों को दिया, आपने मतदाताओं के लिए यह भी कहा चुनाव निर्वाचन आयोग के या जो टीम गई कि काली स्याही नहीं लगाना, ये तमाम सारे आरोप लग रहे हैं आप पर, प्रभावित कर रहे थे चुनाव को। 12 सीटें कांग्रेस ने जीती थी 2013 में, उन सीटों को अपने कब्जे में करने के लिए आप इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ये कांग्रेस का
बिहार का खींच दिख रहा है और इनके नेतृत्व का दिवालियापन, मानसिक दिवालियापन दिखता है। जिन लोगों ने मतदाता दल ने चुनाव आयोग से जुड़े हुए कर्मचारी और अधिकारियों ने अपने जान जोखिम पे डालकर मतदान के लिए गए, अपना गणतंत्र के खिलाफ गणतंत्र की रक्षा करने गए, उनका ये अपमान कर रहे हैं। इनको ये समझ में नहीं आता ये किस लाइन पे चल रहे हैं जी। गणतंत्र के लोगों को ये क्रांतिकारी करते हैं और गणतंत्र को नाश करना के लिए तुले हुए राजनीतिक दल गांधीवादी हैं, तो गांधी जी की लाइन पे चल रहे हैं। मानसिकता के लोग हैं जी। अरे थोड़ा सा हाँ, ये गांधी वाले लोग हैं, ऐसी गांधीवादी होते हैं जो जो गणतंत्र की रक्षा ना करके गणतंत्र के लोगों की रक्षा कर रहे हैं जी। जो धन के बलबूते पर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं उनकी ये रक्षा करना चाहते हैं, ये इनकी सोच है। अरे थोड़ा सा तो सबर कर लो, हार का बहाना ढूंढ रहे हो तो थोड़ा सम्मानजनक ढूंढो, प्रजातंत्र की रक्षा करने के साथ बात करो साहब। जो जान जोखिम डालकर चुनाव कराने जा रहे हैं उनके ऊपर इतना घृणित, इतना निचला स्तर का आरोप जी, यह किसी राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात कर रहे हैं, किसने आचार संहिता का उल्लंघन, बाबूलाल शर्मा जी ने क्या किया, ठीक है आप देखिए इन लोगों ने क्या क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है बाबूलाल शर्मा जी, पहले तो ये राजनीतिक दलों को ये सोचना और समझना चाहिए कि जिस चुनाव निर्वाचन आयोग, जो एक ऐसी संवैधानिक संस्था जो आपका भविष्य तय करती है, आपका मुस्तकबिल बनाती है, निर्वाचन आयोग की सत्यता तो पर कम से कम उंगली ना उठाएं, उस पर तो लांछन न लगाएं। पहली बात तो ये, अब पोलिंग पार्टियों को पैसा दिया गया है, पोलिंग पार्टी खरीद ली गई है, ईवीएम में जानबूझकर गड़बड़ी की जा रही है, ये सारे आरोप क्या ऐसे वक्त में है? क्या ऐसे वक्त में ये सारी चीजें आनी चाहिए? और मैं ये भी पहलू समझूंगा, ठीक है गुप्ता जी, गुप्ता जी ठीक है ठीक है। बाबूलाल शर्मा जी, अंतागढ़ में लोकतंत्र की हत्या करने वाले भारतीय जनता पार्टी और पूरे प्रदेश में आज गणतंत्र बड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी है। अभी आपसे सवाल नहीं, तंत्र की बात करते हैं धनंजय जी, आपसे सवाल नहीं अभी है, तो उसको बढ़ाने वाले आपसे सवाल पार्टी के लोग, आऊंगा आपके पास, आऊंगा वक्त मिलेगा आपको, अभी आपसे सवाल नहीं। और ये भी समझना चाहूंगा बाबूलाल शर्मा जी आपसे, कि जो उंगली पर निशान लगाने की बात आई, जो वहां कुछ मतदाता थे जिन्होंने कहा कि भैया भय है हमें, अगर उंगली नक्सलियों ने देख ली कि निशान लगेगा तो हमें जान से हाथ धोना पड़ेगा, ये भी स्ट्रेटजी थी क्या बीजेपी की? क्या कुछ समझ रहे हैं आप इस पूरे मसले को? देखिए, जो ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी आई है और जो उसका रिप्लेसमेंट हुआ जी, उसको स्वयं चुनाव आयोग के पदाधिकारी जो है, मुख्य पदाधिकारी, उन्होंने स्वीकार किया था पत्रवार्ता में जी, और साफ साफ बता दिया था कि सारी मशीनें जो है 15 मिनट के अंदर रिप्लेस कर दी गई, सिर्फ एक मशीन जो है जी, उसको एक घंटे का समय लगा, एक घंटे ग्यारह मिनट का समय लगा। तो जब ईमानदारी के साथ चुनाव आयोग ने स्वीकार उस चीज को किया है तो उसके बारे में ऐसा बयान आना, मैं उसको ऐसे लेता हूँ, जनता के बीच जो बात जाती है वो ऐसी जाती है कि डॉक्टर रमन सिंह को आप देखेंगे कि जैसे 18 क्षेत्रों का मतदान कंप्लीट हुआ तो उन्होंने अपने बयान में उत्साह पूर्वक बातचीत की, और जो भूपेश बघेल जी का बयान आया उसको लोग इस रूप में लेंगे कि कहीं हताश और निराश वाली बयान है, तो इसको अच्छे ढंग से नहीं लिया जाएगा। और ईवीएम खराब है, अब मुझे लगता है कि लोग तो इसी रूप में लेंगे कि भाई कहीं ना कहीं इनको हार का सामना करना पड़ रहा है, इनको अंदाज लग गया है कि वहाँ गड़बड़ हो गई है, इसलिए इस तरह से ईवीएम कर ये करके कर हार गए तो ईवीएम की गड़बड़ी बता देंगे, इस तरह से लोग लेंगे जी। और मुझे लगता है कि ऐसा होना मुश्किल है। अब तो देखिए पूरा हर चुनाव जो अब ईवीएम से ही होने हैं, तो बैलेट की तरफ तो अब हम बढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल, इसलिए जो है इस तरह के आरोप लगाने के पहले कोई प्रमाण आवश्यक रूप से जुटा लेना चाहिए। बिल्कुल धनंजय जी, अब आपके पास आऊंगा, ये जो संदेश आप देने की कोशिश कर रहे हैं ना कि ईवीएम गड़बड़ी है, बीजेपी हार रही है, ये कहीं ऐसा ना हो उल्टा पड़ जाए आपके लिए? देखिए उल्टा नहीं पड़ेगा, जिस प्रकार से बस्तर फर्स्ट फेज के चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका रही है, हमारे पूरा गर्व है हमारे सैनिकों के ऊपर, हमारे सुरक्षा अधिकारियों के ऊपर, हमारे सुरक्षा में लगे जवानों के ऊपर, जिसके कारण आज बस्तर में मतदान का प्रतिशत बढ़ा हुआ है, लोग निडरता से मतदान किए हैं, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पे स्थिति निर्मित हुई है ये भी शक पैदा करता है। लेकिन आपने शक नहीं, आपने तो प्रमाणित कर रहे हैं इस बात को, वो प्रमाणित सरकार आप इस बात को प्रमाणित करने में लगे हैं कि जो दल पहुंचे हैं उनको पैसा दिया है मंत्रियों विधायकों ने,
आपने शंका जाहिर किया सबूत है आपके पास? हमने शंका जाहिर किया है, सबूत है आपके पास? शंका जाहिर किया है कि कुछ लोग, चंद लोग, चंद लोग जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रकोष्ठ और मंडल अध्यक्षों की तरह काम कर रहे थे, उन अधिकारियों के कार्यशैली पर हमने पहले भी शंका जाहिर किया है। हमने पहले भी राज्य निर्वाचन आयोग को खत लिखकर जारी किया है जी, ये चुनाव प्रभावित कर सकते हैं, इसीलिए हमने बात को जाहिर किया है। आयोग पहले चुनाव होने से पहले, और चुनाव हुआ तुरंत उसने प्रेस वार्ता की, दिल्ली से लेकर रायपुर से लेकर हर जगह इस तरह की व्यवस्था चुनाव आयोग की, एक एक बात प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सभी राजनीतिक दलों को यह पहुंचाई जा रही, कहां क्या गड़बड़ी हो रही है, क्या नहीं हो रही है। कम से कम चुनाव आयोग की सत्यता पर तो सवाल मत उठाइए, ये एक संवैधानिक व्यवस्था है। हम सीबीआई पर सवाल उठा देते हैं, किसी की सत्यता, हम चुनाव आयोग पर सवाल उठा देते हैं, आखिर क्या किसी की सत्यता पर क्या कुछ होना चाहिए? हमने आशंका जाहिर किया है क्योंकि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब यहाँ कई ऐसे अधिकारी थे जो भारतीय जनता पार्टी के जिला और प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की तरह काम कर रहे थे, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने पहले भी राज्य निर्वाचन आयोग को लिखा है कि इनके कारण चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। ठाकुर साहब, आपको इसके पहले मौका देता है ना निर्वाचन आयोग कि कहीं आपको कोई गड़बड़ी लग रही है, कोई दिक्कत लग रही है, आप बताइए, हम उस कलेक्टर को बदलेंगे, उस अधिकारी को बदलेंगे, मिलता है ना मौका, पूरा मिलता है, हाँ या ना? नहीं, हमने मिलता है उनको मौका, मिलता है, ये बताइए हाँ या ना? तथा किंतु परंतु नहीं, तथा किंतु परंतु नहीं, धनंजय जी, मिलता है ना मौका, मिलता है ना? आपने शिकायत दर्ज कर दिया, क्या मौका मिलता है ना? हमने मौका मिला, हमने अपनी बात रखा, आपने अपनी बात रखी, निर्वाचन आयोग ने वहाँ कार्रवाई किया क्या? ठीक है, वहाँ कार्रवाई हुई, वहाँ ये सारी चीजें नहीं किया निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई वहाँ पे, उन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों को वहाँ पे लगा कर रखा, उन्हीं सरकार के साथ कदम से कदम मिलाने वाले अधिकारियों को वहाँ पे लगा कर रखा, जिसके कारण आज हमने शंका जाहिर किया है, हमने शंका जाहिर किया है कि जिस प्रकार से हार का डर भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है, 18 विधानसभा सीट स्पष्ट बता रहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह नरेश गुप्ता जी 18 विधानसभा सीट के बाद आप लोग ऐसा भी करने लगे, आपकी सरकार रहते हुए अब आप ऐसा भी करने लगे, आपने निर्वाचन आयोग तक को खरीद लिया। मैं बताया साहब, ये मानसिक रूप से दिवालियापन हो गया है इस राजनीतिक दल का जी, ये किस निचले स्तर तक आरोप लगा रहे हैं जी। वो पोलिंग बूथ, जिस भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करती है अंतागढ़ में, वो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। पूरा प्रदेश में अगर गणतंत्र फैला है तो उस गणतंत्र को फैलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। 3 ब्लॉक में जो गणतंत्र था, आज 14 जिलों में गणतंत्र है, ये बताएंगे गणतंत्र क्या है। और जिस प्रकार से बस्तर में मतदान हुआ है, हमें फक्र है हमारे सुरक्षा कर्मियों पर, सुरक्षा अधिकारियों पर, सुरक्षा बल के जवानों के ऊपर, नरेंद्र लोकतंत्र की लाज बजा कर रखा, जिसके कारण मतदान का प्रतिशत बढ़ा हुआ है। ठीक है, और निर्वाचन में मतदान हुई है, सरकार में बैठे लोग तो वह नहीं चाहते थे वह मतदान हो जी। ईवीएम में जो गड़बड़ियां हुई, बोलेंगे अगर लोकतंत्र को बचाने की बारी आएगी तो हर जगह बोलेंगे, सड़क में बोलेंगे, सदन में बोलेंगे, मीडिया में बोलेंगे, धनंजय जी बोलेंगे, धनंजय जी को फैलाने वाले लोग आप लोग, ठीक है, किसी भी राजनीतिक आरोप लगाना, ठीक है, मानसिक दिवालियापन किसका है? धनंजय जी, मानसिक दिवालियापन, ठीक है, आपकी बात है, सरकार में बैठे लोगों का है, मानसिक दिवालियापन भारतीय जनता बाबूलाल शर्मा जी पूरे संगठन में है। बाबूलाल शर्मा जी दिवालियापन नहीं होते तो लोकतंत्र के सम्मान करते। ठाकुर साहब, ठीक है, आपकी बात आ गई, गुप्ता जी, मानसिक दिवालियापन भाजपा गुजर रही है, ठीक है, देख रहे हैं हम लोकतंत्र को कैसे आप लोग किस तरह से ले रहे हैं, मुझे वो देख रहे हैं, ठीक है, गुप्ता जी, गुप्ता जी, ठीक है, मुझे अपना बयान दे, अरे लोकतंत्र आप बोलिए, हम लोग क्या सम्मान करते हैं, ये तय कर लीजिए, ठीक है, लोकतंत्र हम सम्मान करते हैं, आप सम्मान नहीं करते, धनंजय जी, ठीक है, आप लोग कहते हैं लोकतंत्र की। बाबूलाल शर्मा जी, राजनीतिक दलों के सामने ये बड़ी दिक्कत वाली स्थिति बन जाती है, जो सरकार रहती है वो विपक्ष ये कहता है कि ईवीएम में गड़बड़ी शुरू हो गई, इन्होंने खरीद लिया, आपके पास अवसर रहता है, चुनाव आयोग आपको हर तरह से पहले बैठकर समीक्षा बैठक करता है, सभी दलों के पास जाता है, कहां क्या क्या दिक्कतें हैं, आप लोगों को वो सारी चीजें सुनता है चुनाव आयोग, एक निष्पक्ष तरीके से, एक लोकतांत्रिक देश में यह प्रक्रिया चल रही है, जहां पर लोकतंत्र में चुनाव आयोग की निष्ठा पर तो सवाल न होना चाहिए। फिर भी चलिए, चुनाव में गड़बड़ियां हुई मशीन में, तो उस मशीन को लेकर आपने क्या कुछ चुनाव आयोग से कोई बात कही? नहीं, आपने सीधा दूसरे पर आरोप लगा दिया, क्या इस तरह की चीजें होनी चाहिए?
नहीं देखिए, चुनाव आयोग के पास कांग्रेस ने चुनाव के पहले इस बात की शंका तो जाहिर की थी जी, लेकिन चुनाव आयोग ने बड़े स्पष्ट तरीके से सारी पार्टियों को बुला के ईवीएम का प्रदर्शन करके सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया था जी। वीवीपैट का कैसे प्रदर्शन होगा, क्या होगा, सारी चीजों को चेक करा दिया था जी। उसके लिए एक बार नहीं दो बार कार्यशालाएं करके जो है बताया गया सबको जी। और उसके बाद भी अगर शंका होती है तो निश्चित रूप से मैं तो ये कहूंगा, मैं तो पत्रकार हूं, मेरे को तो कहना पड़ेगा कि पंजाब में जब चुनाव होते हैं ईवीएम बहुत अच्छी है, गुजरात में होते तो खराब हो जाती है, तो इसलिए जो है ये गोवा में भी होती है तो ईवीएम ठीक रहती है, पूरे देश में होती है तो ईवीएम ठीक रहती है, जहां हार का सामना करने की मुसीबत दिखती है वहां ईवीएम खराब, ऐसा होना नहीं चाहिए। दोनों पार्टियों को ईवीएम पर विश्वास करना चाहिए, चुनाव आयोग पर विश्वास करना चाहिए। अगर हम चुनाव आयोग पर ही विश्वास नहीं करेंगे तो प्रजातंत्र ये स्थिति हमने कांग्रेस में नहीं बीजेपी में भी देखी है, विश्वास टूट, बीजेपी में भी देखी है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता खुद इस बात की पैरवी कर चुके हैं, जो आज मार्गदर्शक मंडल में है लालकृष्ण आडवाणी सदन में ये कह चुके हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, वो खुद इस बात की पैरवी कर चुके हैं। क्या यह कहा ना, मैंने कहा ना, या तो आप विश्वास करिए। देखिए मैं एक मिनट आप वरिष्ठ पत्रकार जी को रोकना चाहूंगा, क्षमा कीजिएगा बाबूलाल शर्मा जी, मैं आपको रोकना वहाँ पे जी जी जी। धनंजय जी ने कहा जी कि कुछ लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के, कुछ लोगों को भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्रियों ने पैसा दिया है, इससे भूपेश बघेल ये नहीं कहा कि ईवीएम गलत है, उन्होंने कहा कि चुनाव को प्रभावित किया जाता है, जहाँ पे मतदान का प्रतिशत कम हुआ है जिस बूथ केंद्र में, वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे फर्जी मतदान किया गया हो, ये भूपेश बघेल जी शंका जाहिर है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब हुआ उसके बाद जो बात कही है, यहाँ पे ईवीएम की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि निर्वाचन कार्य में जो अधिकारी लगे हुए हैं, आपको शंका कहाँ है जी, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी शंका कहाँ है, जहाँ प्रतिशत कम हुआ वहाँ या ज्यादा हुआ वहाँ, दिक्कत कहाँ है? निश्चित तौर पर जहां जहां इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई जिस बूथ केंद्रों में, क्योंकि जिस प्रकार से बार 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 जो निर्वाचन आया मतलब प्रतिशत में पूछा, क्योंकि वो सारे अपडेट जहां ज्यादा प्रतिशत में मतदान हुआ वहां फर्जी मतदान हुआ है आपके हिसाब से, जहां ज्यादा वोट पड़े वहां फर्जी पड़े? मैं ये बोलना चाह रहा हूं क्योंकि पूरे बस्तर के विधानसभा जहाँ पे संवेदनशील विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि मतदान को प्रभावित किया जा सकता है, क्योंकि हार की खौफ जो भारतीय जनता पार्टी में है, तो उसी भी बात है जो लोकतंत्र की हत्या कर सकता है अंतागढ़ में, वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसको लेकर भूपेश बघेल जी ने शंका जाहिर किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी कह सकता हूँ, हमें गर्व महसूस होता है कि हमारे सुरक्षा में लगे जवान, सुरक्षा में लगे अधिकारी, सुरक्षा में लगे हमारे सारे लोग, और जो निष्पक्ष मतदान कराने लगे हमारे निर्वाचन कार्य में अधिकारी, जिनके कारण आज बस्तर में भी जो निर्वाचन का प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन कुछ चंद ऐसे लोग जो सरकार के साथ हुकारू भर के चलते थे, जो कदम से कदम मिला के चलते थे, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने ठीक है आपकी बात आ गई। एक बात और स्पष्ट कर दूं ठाकुर साहब, स्वराज एक्सप्रेस इस चर्चा के माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का कोई भाषण नहीं देना है आपको। आपको नरेश गुप्ता जी, सुनना चाहते तो मुझे बुलाएं, नरेश गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूँ, आपके आपको ही सुनूंगा मैं। एक बात और स्पष्ट कर दूं, यहाँ किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा, ये पक्ष जो है निर्वाचन आयोग, जो एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी संस्था संवैधानिक जहां जनता का हित जुड़ा है, वो आवाज उठाई जा रही है। आप यह इस भ्रम में ना रहे कि यहां स्वराज एक्सप्रेस किसी पार्टी का पक्ष ले रहा है। गुप्ता जी अब आपसे जानना चाहूंगा, ये लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, आखिर ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हो रही है? देखिए आपको बड़ा स्पष्ट बता देता हूं जी, इनको हार का भय दिखने लग गया जी। आप उन मतदान दलों पर आरोप लगा रहे हैं जी, जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व निछावर कर वहाँ मतदान कराने गए हैं जी, उनको क्वेश्चन कर रहे हैं, उनपे आरोप नहीं है। आप चुप रहिए, आप बोला जनता पार्टी, देखिए जनता पार्टी के आई विल प्रेजेंट की तरह आप चाहते हैं तो मैं नहीं बात किया गया, आपको रुकना होगा धनंजय जी, आपको रुकना होगा, आपको रुकना होगा धनंजय जी, धनंजय जी आपको रुकना होगा, आप धनंजय जी की आवाज बंद करिए जब तक धनंजय जी के पास नहीं जाए। गुप्ता जी बताइए जी। देखिए बड़ा स्पष्ट बता देता हूं मैं जी, ये कांग्रेस के लोगों को डर सताने लग गया, हार रहे हैं जी, इसलिए वो उन व्यक्तियों पर आरोप लगा रहे हो जो अपना अपना घर परिवार सब कुछ को दांव पे लगाकर बेचारे मतदान कराने गए हैं, उस जगह में जाए तो समझ में आए साहब क्या स्थिति होती है। गणतंत्र में जो लोग हैं, गणतंत्र गणतंत्र नहीं गणतंत्र के लोगों ने उस बस्तर की क्या स्थिति की है, और वो किनके कारण हुआ, उस गणतंत्र को समर्थन करने वाले सुदूर बस्तर रायपुर दिल्ली जेएनयू
और हिंदुस्तान में फैले हुए और मास्टरमाइंड ठीक है, इन लोगों के कारण आज ये स्थिति निर्मित हुई है। इन लोगों ने सर्वस्व प्रजातंत्र का नाश करने का ठेका लिया है, प्रजातंत्र को खराब कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। आप किसके ऊपर आरोप लगा रहे हो? यदि आपको इतना आरोप लगाना था तो आप सोच लेते चुनाव। यही इसी मशीनों को लेकर पिछले साल कितने मशीन खराब हुई थी, क्या नतीजा था, कंपेयर कर लो साहब। ठीक है, नरेश गुप्ता जी आ गई आपकी बात। आपने कहा कि ठीक है कांग्रेस आरोप लगा रही है, आरोप निराधार है। चीफ मिनिस्टर पंजाब आपने कहा ये आरोप जो लगाई रही कांग्रेस, ये आरोप निराधार है। सुनिए ठीक है नरेश गुप्ता जी, हारने लगते हो आपकी बात आ गई वहाँ पे खराब, ये क्या माहौल बना रखा है। ठीक है, हमने उदाहरण दिया, उदाहरण दिया ना उस चीज का कि ईवीएम को बाबूलाल शर्मा जी ने बताया कि जब पंजाब में चुनाव होता है वहां ईवीएम ठीक, गोवा में होता है वहां ईवीएम ठीक, कर्नाटक में होता है वहां ईवीएम ठीक। यह दिक्कत नरेश गुप्ता जी आज से नहीं, जब से ईवीएम का चलन हुआ, ईवीएम जब से आया उसके बाद से इस तरह की स्थितियां निर्मित होती गई। चाहे आपकी तरफ से ये बयानबाजी हुई हो, आपके वरिष्ठ नेताओं ने इस बात को कहा हो, कोई भी ईवीएम के पक्ष में नहीं होता जो विपक्ष में होता है। देखिए उस दिनों में और आज के दिनों में बड़ा अंतर है। आज वीवीपी पैड आ गया है जो ये बताता है कि आप किसको वोट दे रहे हो जी, बहुत बड़ा फर्क आ गया। लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ, लोकसभा चुनाव में आरोप लगा रहे, लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ, सीधा आरोप लगाया कि सब कुछ बीजेपी ने खरीद लिया। लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार थी जी? लोकसभा चुनाव में सरकार किसकी थी, किसका नियंत्रण था पूरे सिस्टम पे? मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन्हीं का नियंत्रण था। ठीक है, इन्हीं का नियंत्रण था। और उसके बाद ये आरोप लगा देते हैं लोकतंत्र की जनक है, इसलिए स्पष्ट हो गया, इसलिए स्पष्ट हो गया कांग्रेस पार्टी देश में लोकतंत्र की जनक है। किस प्रकार से सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम करते थे उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना चैनल के माध्यम से कह देता हूँ। ठीक है, दिल्ली में भी चुनाव आपको ज्ञात होगा, दिल्ली में भी चुनाव दो बार हुए, दोनों बार ईवीएम से ही हुए। वहां केजरीवाल को कोई पर्चा लेकर नहीं गया था वोट देने के लिए, ये भी बता दो। चुनाव आयोग की सत्यता और ईवीएम की निष्ठा पर तो कम से कम प्रश्न चिन्ह लगा। बाबूलाल शर्मा जी ठीक है, मैं अभी बाबूलाल शर्मा जी कहा है कि चंद अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहे थे वो चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, ये भूपेश बघेल जी ने कहा है। बाबूलाल शर्मा जी, इस तरह के हालात जो उत्पन्न हो रहे हैं, हमने पहले भी कहा कि ये कहीं ना कहीं तो स्थितियां पहले से निर्मित हुई, लेकिन राजनेताओं को इस बात को तो समझना होगा कि आप आरोप किसी पार्टी पर लगा सकते हैं लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर तो मत, कम से कम इन्हें तो बख्श दीजिए, इन पर तो इतना रहम करिए, इनसे ही तो आप बैठेंगे कुर्सी पर जाकर। देखिए, मैं तो चुनाव आयोग के यहाँ के मुख्य पदाधिकारी जो हैं सुब्रत साहू, उनकी प्रशंसा करता हूँ कि जिन्होंने जितनी भी शंकाएं आई हम लोगों को स्पष्ट किया, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। और उनके जो व्यवस्थाएं उन्होंने बस्तर क्षेत्र के लिए की, जिस तरह से उन्होंने पल पल की खबर वहां की रखी और पत्रकारों को भी अपडेट करते रहे, उसकी भी मैंने प्रशंसा पिछले दिनों कई चैनलों में की है। मैं आपसे एक बात कहता हूं जो नियम के मुताबिक कह रहा हूं कि भाई धनंजय ने जो बात कही है या भाई भूपेश ने जो भी बात कही है, क्या इनके अपने पार्टी के चुनावी एजेंट वहां पर नहीं थे? कहीं से तो ऐसी खबर हमने नहीं सुनी कि वहाँ पर किसी चुनावी एजेंट ने वहाँ विरोध किया हो ईवीएम मशीन का, या किसी प्रकार की ऐसी चुनावी गड़बड़ी, अधिकारियों की गड़बड़ी की कोई रिपोर्ट की हो। कहीं से कोई आपके चुनावी एजेंट थे वो क्या कर रहे थे, वो एक प्रश्न पैदा होता है। जनता तो पूछेगी ना आपसे, आपने चुनावी एजेंट वहाँ रखे थे वो क्या कर रहे थे, कितना बड़ा माहौल है साला। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं ये बात बाबूलाल शर्मा जी, हमारे चुनाव एजेंट 5 बजे बाद निकल गए, हमारे जो चुनाव के एजेंट थे 5 बजे सील करने के बाद निकल गए, क्योंकि वहाँ पे 8-8 घंटा तक, 8-8 घंटा तक ईवीएम मशीन को रोक के रखा गया, वो अधिकारी वहाँ मौजूद रहे हैं। तो ये हमारे जनता है और भारतीय जनता पार्टी जिनको लोकतंत्र पर विश्वास ही नहीं है, इस बात का समाज को आदर्श आचार संहिता क्या है नहीं मालूम। जी इस बात की बस्तर में चुनाव हो तो साइन लगाया जाए, तो निश्चित तौर पर इनका हाथ अटल दिख रहा है। और हमें ठीक है, दोनों मेहमानों की आवाज जो है बंद करें, दोनों मेहमानों की आवाज बंद करें। धनंजय जी अब सुन लीजिए धैर्य से, अब धैर्य से सुन लीजिए, मैं आखिरी बात आपसे कहूंगा क्योंकि चर्चा का समय समाप्त हो गया। आपने कहा 5 बजे एजेंट हमारे निकल गए जी, ये 5 बजे का नियम था चुनाव आयोग का, 5 बजे सब कुछ बंद हो जाएगा। आपने कहा 8 घंटे तक और रोके रहे,
वह एक सुरक्षा व्यवस्था की वजह से वहां पार्टियों को रोका गया, उनके लिए ऐसी व्यवस्था की गई वह सकुशल मुख्यालय तक पहुंच सके। क्या चाहते थे, दूसरा झीरम हो जाए, उसके साथ उनको दूसरा झीरम हो जाए, इस तरह की स्थिति बन जाए, लिख के दिया जाए। नक्सली अगर इस तरह की घटना को अंजाम जब दिन दहाड़े दे सकते हैं तो 5 बजे के बाद तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कम से कम इन बातों के प्रमाण हो, सबूत हो, कुछ ऐसे हो आपके पास प्रमाण के हाँ इनको लेकर अदालत में जा सके तो जरूर आप जाएं, लेकिन कम से कम चुनाव आयोग की निष्ठा पर, ईमानदारी पर तो प्रश्न चिन्ह लगाएं। मैं ये सभी राजनीतिक दलों से गुजारिश करूंगा। बहुत शुक्रिया आप चर्चा में जुड़े। बाबूलाल शर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद, गुप्ता जी आपका भी, धनंजय जी आपका भी बहुत धन्यवाद आपका। यही विडंबना है राजनीतिक दलों की कि अक्सर करके इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, चाहे मीडिया की बात हो, चुनाव आयोग की बात हो, सीबीआई की बात हो, अक्सर करके सवालों के घेरे में राजनीतिक दल इन्हीं को रखते हैं, जबकि यही ऐसी व्यवस्था है जो इन राजनीतिक दलों का मुस्तकबिल तय करती है। इस खास पेशकश में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।